प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता, नई ऊंचाई पर भारत और रूस के रिश्ते। दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरण, तेल, प्राकृतिक और खनन सहित 15 समझौतों पर हस्ताक्षर। कल ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। एक दूसरे के स्वाभाविक साझेदार हैं भारत और अफ्रीका। इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप इन चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर सम्मेलन के समापन पर बोले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला काफी मजबूत, किसी और के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता भारत। आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए बनाए गए एक नए कानून, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत आतंकियों की नई लिस्ट जारी। मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और जाकिर उर रहमान लखवी का नाम शामिल। संसद के बीते सत्र में पारित हुआ था विधेयक। पाकिस्तान की तरफ से रोजाना की जा रही है आतंकी घुसपैठ की कोशिश, सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 21 अगस्त को लश्करे तैयबा के दो आतंकियों की गिरफ्तारी की दी जानकारी। गुरदासपुर के बटाला में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 18 लोगों की मौत, राहत और बचाव का काम जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर जताया दुख।